एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बताइए कि अब हमारे नए प्रोडक्ट में क्या-क्या शामिल होने वाला है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाए थे ऑन द ईटीएफ साइड। वो हमारे हिसाब से नेक्स्ट 14-15 साल का एक इंडिया का एक नींव है जिस पे आधारित है, और ज़्यादातर मेक इन इंडिया ये सब जो हम बात करते रहते हैं उस पे एक बढ़िया इंडेक्स है, वो शायद लोग देख सकते हैं। और अभी एक मल्टी एसेट हमने किया था एक्टिव साइड में, जो भी उसका हम लोग सोचते हैं कि आगे जाके डेटा अच्छा बनेगा, ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। आगे जाके अगर आप इंडिया के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसमें हम भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद एक बहुत लॉन्ग टर्म एक नया आइडिया आएगा। उसके लिए आई थिंक पीपल शुड कब वेट, तक एंड आने की अभी फाइल उम्मीद किए हैं। आई थिंक जब तक बाय बाय 2-3 मंथ्स उस पर कुछ अप्रूवल आ जाए तो उसको जितना जल्दी हो सके लॉन्च करें, क्योंकि नेक्स्ट 10-15 साल ईवी एंड एंड एंसिलरी काफ़ी एक फोकस रहेगा कंट्री में। एनर्जी कंजप्शन वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसपे काफ़ी चर्चा भी होता है, और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। अर्ली इसको कैच करना एक मौका रहेगा, हम भी वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे एंड एक नए से एक जर्नी शुरुआत करेंगे जो शायद नेक्स्ट 15-20 साल के लिए बहुत तगड़ा ठीक। जर्नी हो। सर खासकर अभी जो एसेट्स फोलियोज है, फोलियो की तादाद कितनी है, वाईओवाई ग्रोथ इसमें कितना देखते हैं, और मिराई का परसेंटेज कितना है? ये फोलियो एक बहुत अच्छा स्टोरी है इंडिया में, क्योंकि एक जो जनरल ट्रेंड ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स वो फोलियो के जरिए दिख रहा है। बिफोर कोविड अगर लास्ट 20-25 साल का जर्नी देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो शायद 2.3 करोड़ फोलियोज थे, बट पोस्ट कोविड लास्ट 3-4 साल में 2 करोड़ ऐड किए हैं, तो जो शायद 20-25 साल में नहीं हुआ था 4-5 साल में हो रहा है। और मेरे हिसाब से एवरी ईयर 1 करोड़ तो मिनिमम ऐड होगा फोलियो आगे जाके। हमारा ये 15 साल का जर्नी में कुछ 70 लाख फोलियोज हैं एंड एक रिटेल फंड हाउस के जैसे उभर के आए, हमारा भी अनुमान नहीं था। बट इन्वेस्टर्स को बहुत थैंक यू बोलूँगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत थैंक यू बोलूँगा फॉर मेकिंग अस रिटेल फंड हाउस। इसमें भी स्टडी ग्रोथ है, जैसे इंडस्ट्री के साथ फोलियो ग्रोथ होता है, हमारा भी ग्रोथ है, उसमें हम शामिल हैं। एंड एंड एक बहुत अच्छा संकेत है ऑफ पीपल नाउ इन्वेस्टिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सर 4 जून को परिणाम है, पूरे देश और दुनिया की निगाह है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की दिशा और दशा क्या होने वाली है? देखिए, यस, इलेक्शन एक बड़ा एक इवेंट होता है, बट ये एक इवेंट है इन द जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बहुत एक स्ट्रांग विकेट पे है। हम सब लोग ये चर्चित करते हैं कि ये गोल्डन डिकेड है, हम भी मानते हैं इंडिया का प्रॉबेबली द बेस्ट टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट 20-30 ईयर्स, और आगे जाके भी जो एक ब्रॉड बेसिंग हुआ है इंडियन इकोनॉमी का ये बरकरार रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शंस। तो इवेंट को ना देख के अगर कोई लॉन्ग टर्म देखें और इसको टाइम ना करें, उनका एक बहुत बेनिफिट होगा ऐसा मैं मानता हूँ। यस, जब इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन होगा तो चर्चित तो होता है, बट ये एक इवेंट है। आगे जाके जो बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो मिड 80s में इंडिया का जो एक लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन का जर्नी का शुरुआत हुआ था, वो एक वन वे ट्रैफिक है। कोई एक नया रेजिम आके इसको थोड़ा फास्ट कर सकता है या थोड़ा कम कर सकता है, ये जर्नी कभी बंद नहीं होगा। तो ये जर्नी में बैठना ही सबसे बड़ा एक एक बेनिफिट होता है। तो वो जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से सपोज 3.5-4 ट्रिलियन से जो 8 ट्रिलियन जाएगा, इसका बेनिफिट आप कैपिटल मार्केट के जरिए खुद के पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। बार बार कहता हूँ कि मार्केट में रहिए, छोड़ के मत जाइए। अगर छोड़ जाते हैं तो वो आप बहुत इसका जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है उसका वो आप छूट जाता है आपके पोर्टफोलियो से। थैंक यू सर।